नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में आवास योजना से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। आवास योजना में वार्ड सदस्य की भूमिका क्या होगी, आवास योजना में कितने पैसे मिलेंगे, आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पैसे मिलेंगे और शहरी क्षेत्रों में कितने पैसे मिलेंगे और बहुत सी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से मिलती रहे। इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय गरीब तबके के परिवारों को रहने के लिए घर नहीं था। इसको लेकर जरूरतमंद गरीब व असहाय लोगों को सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया था, जो कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जा रहा है। जनवरी 1996 ईस्वी में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY के माध्यम से भारत में आवास योजना को सुचारू रूप से चलाया जाता है। पहले इंदिरा आवास योजना अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन अब PM आवास योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू किया गया है, क्योंकि शहर में भी गरीब लोग रहते हैं और उनके पास जो भी थोड़ी जमीन है उस पर झोपड़िया का निर्माण करके अपना जीवन बहुत ही कष्ट में बिताते हैं। इसलिए भारत सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र में भी आवास योजना का आवंटन करने का फैसला लिया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा आवास योजना को लेकर 60% रुपया दिया जाता है और 40% राज्य सरकारें मिलाकर इस योजना को सफल बनाने का काम करती है। तो इसको लेकर नीतीश कुमार भी बयान दे चुके हैं कि इस बार जो आवास योजना आवंटन किया जा रहा है, जो लाभार्थी उस लायक हैं अगर आवास योजना के दायरे में आते हैं तो वो छूटना भी नहीं चाहिए, एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। तो इस बार जो है कि आवास योजना को लेकर सरकार भी पूरी सक्रिय दिख रही है और जो सिस्टम बनाया गया है आवास योजना में, जो पहले घोटाला किया जाता था उसको लेकर भी एक बहुत ही अच्छी रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। पहले जो फंडिंग में बार्गेनिंग होती थी वो अब बहुत कम हो जाएगी। तो आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।